अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स, होप यू आर ऑल फाइन। और अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच कि आपने जो है वो ज्वाइन किया। आज के अमेजिंग सेशन को हम स्टार्ट करने से पहले कुरान पाक की छोटी सी आयत मैं पढ़ देता हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, रहमान रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इयाक नअबुदु व इयाक नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अन'अमता अलैहिम गैर मग़दूबी अलैहिम वलाद्दालीन, आमीन। सब लोग जो है वो 3 बार दुरूदे पाक पढ़ लें, सो वी कैन मूव फॉरवर्ड। जी, तो थैंक यू सो मच। और काइंडली अपने पास कॉपी और पेंसिल लाजमी रखा करें ताकि आप लोग जो है वो इसके नोट्स बना सकें, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसा इशू है हमारी सोसाइटी के अंदर। बेसिकली ये फीमेल रिगार्डिंग टॉपिक है, लेकिन मेल को भी ये इशू हो सकता है। और आपको मैं एक छोटी सी बात से आगाज करता हूँ। एक इंडिया के मेरे बहुत ज़्यादा मतलब के रिनॉन पर्सन भी हैं, मैं उनको अपना मेंटोर भी समझता हूँ। वो कहते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर का जो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट फीमेल की लाइफ पे तो है ही है, मेल की लाइफ पे भी है। तो किसी ने पूछा जी मेल का क्यों इसके साथ अलग है, तो उसने कहा कि जो मेल की मर्दानगी है ना, जैसे हम लोग सपोज करें किसी को गुस्सा आया हो या बहुत ज्यादा कोई हाइपर हो, तो वो कहता है कि अच्छा तुमने तुम्हारे अंदर अगर मर्दानगी है तो क्या तुमने माँ का दूध पिया है। तो माँ का दूध जो है वो डेफिनेटली जारी बात है ये उस चीज का पार्ट है कि अगर तो वो चीज फीडिंग के थ्रू नहीं एक मेल तक वो पहुंच पाती, तो इसी वजह से इस चीज को मेल से भी ओरिएंटेड उसको एसोसिएटेड किया गया है। तो ये जो हमने सिलसिला शुरू किया है एवरी वेडनेसडे, और ऑल दो के हमारी बिजनेस एक्टिविटीज भी चल रही हैं, हमारी हेल्थ एंड वेलनेस की भी एक्टिविटीज चल रही हैं, तो इसको प्लीज आप नोट डाउन कर लें। ये ट्रेनिंग्स इंटरनेशनल हैं, ऐसा डेटा आपको किसी जगह पे नहीं मिलेगा और इसका सोल्यूशन नहीं मिलेगा। जो मैंने चीज देखी है कि बाकी जगहों पे आप सेशंस अटेंड करें, कभी हर बंदा बात कर रहा है जी कि ये मसला हो गया, इसके बाद ये आप करें, और परमानेंट कोई ऐसा साइंटिफिक सोल्यूशन नहीं है कि आप इससे प्रिवेंट और रिवर्स कर सकें। तो आज के सेशन को आगे डिलीवर करने के लिए हमारे साथ माशाल्लाह से डाइटिशियन जीनिया है, और ये अपना सबसे पहले इंट्रोडक्शन भी आपको करवाएंगी, और इसके बाद मैं जो है वो नेक्स्ट जो हमारे सेकंड स्पीकर हैं जो इसको सम अप करेंगे वो डॉक्टर बीरा है, और एंड पे मैं थोड़ी सी इसके बारे में शेयरिंग करूंगा। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। सो मूविंग टुवर्ड्स मिस डाइटिशियन जीनिया, सो प्लीज अपना माइक अनम्यूट कर लें और मैं जो है वो पीपीटी को अटैच कर रहा हूँ। थैंक यू। जी वालेकुम अस्सलाम सर, थैंक यू सो मच एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ द पार्टिसिपेंट्स एंड आई होप दैट ऑल विल बी गुड। तो आई एम डाइटिशियन जीने शाहिद फ्रॉम समबंदरी एंड बीन वर्किंग इन दिस फील्ड एज ए कंसल्टेंट डाइटिशियन फ्रॉम द पास्ट 2 ईयर्स एंड मोर देन नाउ 2 ईयर्स एंड कंटिन्यूइंग माई मास्टर्स इन ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। Before that, I have done my graduation in human nutrition and dietetics and been working in Tyans since I have started my clinic as well. So today we are discussing a very important point basically, which is raising these days or basically पहले भी था but I think so. या आई फील लाइक के अभी जो है उसको बात कर हम ज़्यादा हाईलाइट जो है वो अब किया जा रहा है बिकॉज सम ऑफ द पर्सनैलिटीज विच आई एम सीइंग विद सम ऑफ द पर्सन्स बिकॉज पीपल आर मोर अवेयर नाउ एंड दे फील लाइक द इम्पोर्टेंस ऑफ ए न्यूट्रिशनिस्ट इन द सोसाइटी देयर रोल। सो दे फील लाइक के इस चीज़ पे बात होनी चाहिए और उनको वो इन्वॉल्व करके इस इशू को बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं। सो आई एम हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस अवेयरनेस कैंपेन। सो ब्रेस्ट कैंसर इज अ वेरी लीडिंग इशू दीज डेज इन वेमेन। इफ आई कैन से इट इज़ द टॉप मोस्ट जो है वो कॉज ऑफ कैंसर कॉजिंग जो है बाकी सारे कैंसर उनमें से टॉप मोस्ट है इस टाइम पे। सो कैंसर जो है बेसिकली एज यू ऑल नो सर स्लाइड मूव कर दें बेसिक नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा जी, बेसिकली वी ऑल नो कैंसर होता क्या है। सबसे पहले तो मैं डिजीज का अगर थोड़ा सा आपको दूं एक
सियाको सबाक हम डिस्कस करें तो कैंसर होता क्या है? जब अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होना शुरू हो जाती है आपके बॉडी पार्ट्स के अंदर, दैट इज कॉल्ड कैंसर. ठीक है, अब इसकी दो टाइप्स होती हैं, बेनाइन होता है उनमें लिग्नेंट होता है. सम कैंसर्स आर के वो एक स्पेसिफिक आपके बॉडी पार्ट को टारगेट करते हैं एंड दे ग्रो ओवर देयर, और उनके नियर बाय जितने भी आपके लिम्फ नोड्स होते हैं, आपके जो है लिम्फ नोड्स, यू ऑल मस्ट बी नोइंग दैट के हमारे इम्यूनिटी रिलेटेड होते हैं, और आपकी इम्यूनिटी जो है वो उसके तौर पे वो जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ एजेंट्स जो के आउटसाइड से बॉडी पर रिएक्ट करते हैं. तो कुछ जो होते हैं कैंसर्स, वो सिर्फ जो है एक स्पेसिफिक बॉडी पार्ट पे ही जो है हो रहे होते हैं, और वहीं ही उनकी सेपरेट वो बाकी पे ट्रांसफर नहीं होते. बट सम आर जो कि एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक मूव ऑन कर रहे होते हैं, ठीक है, वो बेसिकली स्प्रेडिंग होते हैं. और जो सर्वाइकल कैंसर है या ब्रेस्ट कैंसर है, इट इज़ वन ऑफ देम. ये भी उन्हीं की एक टाइप है कि ये वाले कैंसर जो हैं वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे मूव कर रहे होते हैं, या एक छोटा सा एरिया पहले होता है और देन डेवलप, और साथ साथ भी बाकी एरिया को भी इफेक्ट कर रहे होते हैं. हियर इज के इंडिया में जो है बेसिकली मोस्ट लीडिंग को इशू है, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में भी स्टिल आई वुड से कि हमारे जो एशियन रीजन है उसमें ऑलमोस्ट जो हमारी कंडीशंस हैं वो बहुत ज़्यादा रिलेट कर रही होती हैं इंडिया पाकिस्तान, बिकॉज हमारे वेदर कंडीशंस भी मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे सेम ही होते हैं. सो द अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन उनमें रेशो, ऑब्वियसली बात है उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उनमें रेशो भी ज़्यादा होगी, लेकिन हमारे यहाँ भी ऑलमोस्ट सेम ही कंडीशंस हैं एज लाइक इंडिया. सो ये जो है वो एक इंक्रीजिंग ईच ईयर जो है वो एक इशू है, और ये फीमेल्स में सर्वाइव बेसिकली तीन मोस्ट स्प्रेडिंग कैंसर जो हैं, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर या ओवेरियन कैंसर, उनमें से द टॉप मोस्ट इज ब्रेस्ट कैंसर. और पहले जो था बिफोर द डेटा अगर हम एनालिसिस करें तो बिफोर 2008 इट वाज एस्टिमेटेड दैट के जो सर्वाइकल कैंसर है वो ऑन टॉप मोस्ट है, मतलब वो नंबर वन कैंसर टाइप है इन द एशियन रीजन. बट आफ्टर द 2008 डेटा ये चीज देखी गई कि जो ब्रेस्ट कैंसर है वो सर्वाइकल कैंसर से भी ज्यादा उसकी रेशो थी, बिकॉज दिस इज आई थिंक सो अ बिट सेंसिटिव टॉपिक, नॉट नाउ नाउ डेज, बट अगर हम इफ यू मूव अराउंड 4 to 5 years बैक, तो आई वुड से कि सर भी मेरे से इस बात पे एग्री करेंगे कि ये थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक डिस्कस मतलब लिया जाता था इनकम कि इसको डिस्कस इतना ज्यादा नहीं किया रहता था, कि लोग हेजिडेंट होते थे. इवन मदर्स और डॉटर्स जो हैं आपस में ही वो उनकी इतनी ज्यादा नहीं थी कि वो एक दूसरे डॉटर्स अपने मदर्स के साथ भी डिस्कस करने में उसको हेजिडेट फील करती थी, और मदर्स जो हैं वो जब तक हम डॉक्टर के पास जाते थे और तब तक वो इशू जो है वो बहुत ज्यादा हद तक बढ़ चुका हुआ होता था. सो इफ अगर हम जो है वो एनालिसिस देखें तो यहाँ पे एक फ्लो चार्ट डायग्राम दी गई है जिसमें आपके अदर कैंसर शो किए गए हैं रिलेटिवली, आपके जो तीन कैंसर हैं ओवेरियन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर और आपके ब्रेस्ट कैंसर की रेशियो, यू कैन सी दैट कि बाकी सब एक साइड पे हैं बट द ईरा इज कवरिंग हाफ ऑफ द कैटेगरी, के ये जो तीन जो है कैंसर ये ज्यादा जो है वो लीडिंग इश्यूज हैं इस टाइम पे सोसाइटी में. सो उनमें से भी जो सबसे ज्यादा है वो ब्रेस्ट कैंसर है इस टाइम पे, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कम्युनिकेशन, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ द कंसल्टेंट जो है वो की गाइडलाइंस के. तो इस वजह से आई थिंक सो दिस इज द मोस्ट लीडिंग इशू दीज डेज. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, वी कैन सी दैट एवरी एट, वन इन एट वुमेन जो है वो जो है कॉज उसको हो रहा है ब्रेस्ट कैंसर की वजह से, वो वन इन एट वुमेन जो है इन इंडिया वो इस चीज को फेस कर रही है. बेसिकली कैंसर की आपकी 4 stages होती हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. फर्स्ट स्टेज इज कि जब आपका प्राइमरी लेवल का है, व्हेन यू गेट टू नो, एंड इन माय ओपिनियन प्राइमरी स्टेज पे बहुत रे प्राइमरी स्टेज पे बहुत रेयर केसेस होते हैं जिनके बारे में
लोगों को पता चल जाता है कि उनको कोई ऐसा जो है वो इशू हो रहा है, या लोग इस बारे में सीरियस होते हैं, या उनको जो साइन एंड सिम्टम स्टार्ट पे जो है वो फील होते हैं, या उस चीज़ को वो इतना कंसिडर ही नहीं करते कि हमें कोई इशू हुआ है. सो प्राइमरी लेवल इज के जहाँ पे इट इज़ वेरी इजी टू उसको रिवर्स करना, या उसको जो है वो मेंटेन करना उस लाइफस्टाइल के साथ या बाकी चेंजेस के साथ. देन सेकंड स्टेज की बारी आ जाती है. सेकंड स्टेज जो होती है, मैं नॉर्मल एवरेजली कैंसर की बात कर रही हूँ, यहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर पे भी हम आएंगे, मैं एवरेज कैंसर की बात कर रही हूँ. सेकंड स्टेज पे होता है कि मोस्टली वो आपके जिस भी एरिया में होता है एबनॉर्मल, वहाँ पे टिश्यूज की ग्रोथ ज़्यादा, सेल की ग्रोथ ज़्यादा होना शुरू रहती है एबनॉर्मली. एंड इन दिस स्टेज मोस्ट मोस्ट ऑफ द केसेस एवरेज में जो होता है वो आपके लिम्फ नोड्स को इफेक्ट नहीं कर रहा होता, लाइक आपकी इम्यूनिटी को भी वो टारगेट करना नहीं शुरू हुआ. लेकिन सारे केसेस में ऐसा नहीं होता, बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि वो आपके जो पास पास के एरियाज होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल अगर ब्रेस्ट में हो रहा है तो उसके पास के जो एरियाज होंगे, उसके पास में जो लिम्फ नोड्स होंगे उनको भी वो इफेक्ट करना शुरू कर देगा. अच्छा, मूविंग ऑन टू द थर्ड स्टेज की अगर हम बात करें, तो थर्ड स्टेज में ये होता है कि वो जहाँ पे ग्रो कर रहा होता है उस एरिया में भी वो ज्यादा होना शुरू हो जाता है, और प्रॉपरली वो अब जो है लिम्फ नोड्स को या बाकी आपके इम्यूनिटी को इफेक्ट करना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो है बाकी और डिजीज के चांसेस भी ज्यादा हो जाते हैं. और फोर्थ स्टेज पे ये होता है जो बिल्कुल भी आप कह लें कि एंड स्टेज पे चला जाता है, या बिल्कुल आपकी वहां से रिवर्स करना या उसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल होता है, अनटिल अनलेस उसको आप मैनेज कर सकते हो. तो फोर स्टेजेस जो हैं, इनमें जो रेशो बताई गई है वो सबसे पहले तो ये है कि फर्स्ट स्टेज में 20% तक अगर होगा तो वो फर्स्ट स्टेज में डायग्नोज उसको कर सकते हैं. 37% तक होगा तो उसको हम सेकंड स्टेज में जो है वो डायग्नोज कर सकते हैं. लेकिन थर्ड स्टेज में आपका डैमेज इतना ज्यादा आ गया होता है ऑर्गन को या आपके रिलेटिव जो उसके टिश्यूज हैं उनको, कि वो यहाँ पे लेसर अमाउंट में भी उसको वो है वो डायग्नोज हो जाएगा, लाइक 23% एंड 20% इन फोर्थ स्टेज. 43% जो है वो लास्ट स्टेजेस में चला जाता है, मतलब कि जहाँ पे रिवर्स नहीं हो सकता, सिर्फ थोड़ा बहुत हम उन्हें मैनेज कर सकते हैं लाइफस्टाइल मैनेजमेंट की तरफ से, या फिर जो है वो बाकी जो ट्रीटमेंट्स है उनकी वजह से. 5 ईयर्स सर्वाइवल रेट्स है नीचे जो आपको शो हो रहा है. 92% साउथ कोरिया में है, हांगकांग में 90% है, ऑस्ट्रेलिया में 89% है, इसी तरीके से मलेशिया में सबसे कम जो है वो 49% है. नेक्स्ट स्लाइड सर. अच्छा जी, यहाँ पे हम थोड़े से स्टेटिक्स को डिस्कस करते हैं. जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि बिफोर 2008 यही कंसीडर किया जाता था कि जो सर्वाइकल कैंसर है वो ऑन द टॉप लिस्ट है इन फीमेल्स कैंसर में. लेकिन 2008 के डाटा के बाद एक जो सर्वेज कंडक्ट किए गए, जो सर्वेस कंडक्ट किए गए उससे ये जो है वो पता चला कि जो ब्रेस्ट कैंसर है वो सर्वाइकल कैंसर से भी ज़्यादा जो है वो लीडिंग इशू है. ब्रेस्ट कैंसर जो है वो मोस्ट कॉमन कैंसर है वुमेन में इन इंडिया. 27.7% जो है ऑल कैंसर्स की नस्बत वो ज़्यादा डिटेक्टेड है इन वुमेन इंडिया में 2008. और इसमें जो है हर एवरी 4 मिनट इन एवरी 4 मिनट जो है वो हर एक वमेन जो है वो इफेक्ट होती है ब्रेस्ट कैंसर से. और इन एवरी 8 मिनट्स, हर 8 मिनट में, जो शायद हमारी जिंदगी में मैटर नहीं करते, या मेरी आपकी जिंदगी में मैटर नहीं करते, हम बहुत सारे 8 मिनट जाया कर देते हैं, उन 8 मिनट में एक विमेन जो है वो, एक औरत जो है वो मर जाती है ब्रेस्ट कैंसर की वजह से. और एस्टिमेटेडली 1,62,468 वुमेन जो हैं वो न्यूली डिटेक्ट होती हैं ब्रेस्ट कैंसर की वजह से. ये वो नंबर्स हैं जो डिटेक्ट हो चुके हुए हैं या जो होते हैं एवरेजली, जिनमें लोग, जिनको थोड़ी बहुत अवेयरनेस है या जो इस चीज़ को फील करते हैं. बहुत सारे केसेस तो अभी भी, मोस्ट ऑफ द केसेस विच आई फील लाइक विच आई हैव ऑब्जर्व, वो अभी भी ऐसे हैं जो कि
मेरा ख्याल है डायग्नोसिस के स्टेज से पहले ही सेकेंड स्टेज या थर्ड स्टेज में प्रिवेल कर रहे होते हैं ऑलरेडी इन द डिजीज एंड दे डोंट इवन नो। और जिनको किसी को पता भी होता है, सो कैंसर का नाम ही एक टैबू ही ऐसा क्रिएट हुआ हुआ है। वो फील लाइक दे ट्रीटमेंट इज एक्सपेंसिव, तो मरना तो है ही। दे डोंट गो टू द हॉस्पिटल्स एंड दे डोंट गो टू द डॉक्टर स्पेशलिस्ट, और जाते ही नहीं है। ये वो नंबर्स हैं जो डिटेक्ट हो चुके हुए होते हैं या जो जिनका पता चल गया होता है। अच्छा जी, 87,000 जो है वो 90 वमेन जो है वो उनकी डेथ हो जाती है कैंसर की वजह से जो है 2018 में, द सेकेंड हाईएस्ट जो है वर्ल्ड फॉर द ईयर। उसके बाद जो है ओनली 66.1% वमेन जो है वो डायग्नोज होती हैं डिजीज में बिटवीन 2010 से लेके 2014 तक, जिन्होंने सरवाइव किया था। और इसके बाद 1 in 2 वमेन डाइज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेट एटलीस्ट 17,97,900 वमेन इन इंडिया में हैव ब्रेस्ट कैंसर बाय 2020। ये 2020 के डेटा हैं और अभी 2023 है, तो अभी इसमें किस हद तक जो है वो नंबर इसका इंक्रीज हो चुका है वी डोंट नो स्टिल, बिकॉज अभी के स्टेटिक्स जो है वो ऑब्वियसली फार मोर देन दी 2020। और ऑन एवरेज जो है वुमेन वेट मोर देन 3 मंथ्स बिफोर। वो अपना किसी भी चेकअप से पहले या किसी भी मेडिकल कंसल्टेशन से पहले जो है वो यहाँ पे तो 3 मंथ्स लिखा हुआ है, बट आई फील लाइक के इट्स मोर देन दैट, दिस टाइम इज पीरियड इज मोर देन दैट, के 3 मंथ से ज्यादा ही हो जाता है एंटिल अनलेस वी फील लाइक के वी नीड टू गो टू द डॉक्टर फॉर सच इश्यूज। खैर, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अगेन यहाँ पे हम अगर स्टेटिक्स की बात करें तो हमारे पास जो है वो ग्लोबली मोर्टेलिटी रेट्स हैं बिकॉज ऑफ कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर की वजह से, और उनमें अफ्रीका में 46% है, एशिया में 34% है, और साउथ अमेरिका में 28%, यूरोप 27%, उसके बाद 20% ओशियानिया में है, और नॉर्थ अमेरिका में 17% है। एंड इसमें थ्रू द मैप वी कैन सी दैट डिफरेंट कंट्रीज जहाँ पे जो है वो डिफरेंट मोर्टेलिटी रेट्स हैं, हरियाणा या यहाँ पे दिल्ली में है या बाकी सारे, ये डाटा दिया हुआ है। सो बेसिकली पॉइंट इज के बिफोर दी अवेयरनेस या बिफोर जो है वो गोइंग टू द डॉक्टर, मोस्ट ऑफ द केसेस आर के उनकी डेथ हो जाती है बिकॉज लेक ऑफ अवेयरनेस या लेक ऑफ द कॉन्फिडेंस टू टॉक अबाउट दैट, दिस इज अ मेजर रीजन जिसकी वजह से जो है वो डेथ हो रही होती है। खैर, ब्रेस्ट कैंसर इन इंडिया में इसमें जो है वो 25 ईयर्स बैक डाटा है और अब का प्रेजेंट डाटा है। रफ एस्टिमेट जो है वो पॉपुलेशन से लगाया जाए अगर तो उनमें जो है 5 ईयर सर्वाइवल फॉर द ब्रेस्ट कैंसर इन वुमेन इन इंडिया इज नॉट इवन 60%, 60% से भी कम है। सो यू कैन हेयर सी दैट के सर्वाइवल जो है वो कितना कम है और इसकी प्रेवलेंस कितनी ज्यादा होगी। जो सर्वाइवल का रेट 60% से कम है अगर, तो प्रेवलेंस के जो है रेशो वो कितनी ज्यादा होगी। इन इंडिया बिफोर 2008 स्टेटिस्टिक्स कैंसर ऑफ द सर्विक्स वाज द मोस्ट कॉमन कैंसर, जो बाद में ने पहले की के स्टेटिक्स में के जो है वो इंडिया में सबसे पहले 2008 में ये कंसिडर किया जाता था ओवरऑल के जो सर्वाइकल कैंसर है वो ऑन द टॉप मोस्ट है, और ब्रेस्ट कैंसर जो है वो सेकेंड नंबर पे आता है। बट वेन 2008 के स्टेटिस्टिक्स के बाद जो है जब बाद में जो सर्वेज हुए या बाकी जो जो लगाया गया अंदाजा, उसके बाद जो है ये कंफर्म किया गया कि सर्वाइकल कैंसर जो है वो ऑन द सेकेंड नंबर है, बट जो ब्रेस्ट कैंसर है वो ऑन फर्स्ट नंबर है। एंड विद 2012 स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट ब्रेस्ट कैंसर इन इंडिया में बी अ ह्यूज जंप, ब्रेस्ट कैंसर बिकेम द मोस्ट कॉमन। नेक्स्ट प्लीज। अच्छा जी, ब्रेस्ट कैंसर
स्प्रेड इन पाकिस्तान, इनमें पाकिस्तान में अगर जो रेशो है, बिकॉज एज आई वॉज टॉकिंग अबाउट के पाकिस्तान और इंडिया की जो हमारी बहुत सारी क्लाइमेट कंडीशंस हैं, जो हमारे लाइफ स्टाइल्स हैं, जो हमारी फूड पैटर्न है, वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो मैच कर रही होती है. अनटिल अनलेस उनमें थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट आ रहता है कि वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियंस अलग अलग हैं थोड़ा सा, बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो वेजिटेबल्स या फूड आइटम्स या उनका जो एनवायरनमेंट है वो मिलता जुलता सा है. तो स्टेटिक्स जो है वो बिकॉज उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है तो उस टर्म में उनके थोड़े से ज्यादा है, बट हमारे यहाँ भी ये लीडिंग ही इशू है उसी तरीके से जिस तरह से इंडिया में है. और 90,000 जो है ईयरली केसेस जो है वो रिपोर्ट हुए हैं ब्रेस्ट कैंसर के, जिनमें से जो 40,000 जो है वो जो है उनकी वजह से उनकी डेथ भी हो गई है. मतलब 90,000 ऑब्जर्व किए गए और 40,000 की जो है उनमें से डेथ हो गई. तो सर्वाइवल रेट कितना है आपका, फिर वही बात कि 60% से भी कम आ जाता है इसमें, सर्वाइवल रेट इतना ज्यादा कम है. नेक्स्ट प्लीज. और एवरी इंडिया में आपका 8 आउट ऑफ 1 वुमेन इन इंडिया जो है वो सफर होती है, और हमारे यहाँ 9 आउट ऑफ 1. सो जो उसके स्टेटिक्स हैं वो ऑलमोस्ट मिलते जुलते ही हैं. समरी स्टेटिक्स 2020 के हैं. इसमें 2020 में फीमेल्स में जो है ऑल एजेस की, उनमें जो है वो देखा गया अदर कैंसर जो है वो 44,663 है, मतलब 49% है. और ब्रेस्ट कैंसर जो है उनमें से वो 28% है. उसके बाद लिपिड या ओरल कैविटी वो 6.2% है. सर्वाइकल जो है वो 5.5% है. इसोफेगस जो है वो 5.4% है. ओवरी जो है वो 4.8 है. मीन्स दैट कि आफ्टर मतलब एवरेजली अगर देखेंगे बाकी सारे कैंसर्स की निस्बत सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट है वो, अगर एवरेजली एक साइड में बाकी सारे कैंसर को करें, सबसे ज्यादा जो अलार्मिंग रेट्स हैं वो ब्रेस्ट कैंसर के ही हैं, 28%. और उसमें भी मोर्टेलिटी के रेट्स जो हैं वो 60% से भी ज्यादा हैं. नेक्स्ट स्लाइड. अगेन समरी स्टेटिक्स हैं 2020 में. इसमें पॉपुलेशन आ जाती है मेल्स फीमेल्स और दोनों में जेंडर में मिक्स भी बताया हुआ है. नंबर ऑफ न्यू कैंसर केसेस जो है वो बताए गए हैं. 8 स्टैंडर्ड इंसिडेंस रेट है. और रिस्क ऑफ डेवलपिंग कैंसर बिफोर द एज ऑफ 75 ईयर्स, उसमें मेल्स में 11.5 है, फीमेल्स में 12.3 है, और ओवरऑल जो है वो 11.9 है. उसके बाद फिर नंबर ऑफ कैंसर डेथ्स आ जाती हैं 60.783 मेल्स में, फीमेल्स में 56.366. और उसके बाद 8 स्टैंडर्ड मोर्टेलिटी रेट आ जाता है 75.6 और फीमेल में 72.8. उसके बाद रिस्क ऑफ डाइंग फ्रॉम कैंसर बिफोर द एज ऑफ 75 ईयर्स वो 8.3 आ जाता है मेल्स में, और फीमेल में आ जाता है 8.2. 5 ईयर्स प्रेवलेंट केसेस आ जाते हैं, मीन्स जो के प्रेवलेंस प्रिवेल कर जाते हैं या सर्वाइवल में उनके 5 ईयर्स ऑफ द सर्वाइवल एज उनकी हो जाती है. वो 1,50,048 है मेल्स में और 1,79,499 है फीमेल्स में. टॉप 5 मोस्ट फ्रीक्वेंट कैंसर एक्सक्लूडिंग नॉन मेलेनोमा स्किन कैंसर जो है उनमें लिप है, ओरल कैविटी है, लंग है, इसोफेगस है, कलरेक्टम है, ल्यूकीमिया है. और मेल्स में, फीमेल्स में है ब्रेस्ट कैंसर है, उसके बाद लिप और ओरल कैविटी है, सर्वाइकल और यूट्राई है, इसोफेगस है और ओवरी है. सो मींस ऑन द टॉप जो है वो ब्रेस्ट कैंसर ही है एवरेजली इन ऑल कैंसर टाइप्स. अच्छा जी, यहाँ पे अगर हम बात करें कि एग्जामिनेशन की बात करें या उसके हम सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स की बात करें, सो मोस्टली अवेयरनेस यहाँ पे जरूरी है कि साइन एंड सिम्टम्स. वैसे तो ये है कि यू हैव टू गो फॉर द ब्लड टेस्ट या उसके रेलेवेंट टेस्ट, लेकिन जो फिजिकल एग्जामिनेशन जिसकी वजह से आप जो है वो अपने आप को कह सकते हो कि यू आर के आप ब्रेस्ट कैंसर के, कहीं आपको भी ये चीज़ तो नहीं है या जो है आप अपने आप को सेल्फ एग्जामिन कर सकते हो, वो उनमें हम कुछ जो है वो सिम्टम्स देखते हैं. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. अच्छा जी,
आपके जो साइंस आ जाते हैं उसमें सबसे पहले जो है, बिकॉज हम पर्टिकुलरली ब्रेस्ट कैंसर की बात कर रहे हैं, तो आपके ऑब्वियस सी बात है कि इसी रीजन में या उसी एरिया पे आपके चेंजेस आएगी, बिकॉज मैंने बताया कि कुछ कैंसर्स होते हैं जो कि उसी एक स्पेसिफिक एरिया पे ग्रो कर रहे होते हैं, और कुछ कैंसर्स ऐसे होते हैं जो एक एरिया से या एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में भी शिफ्ट हो जाते हैं. लाइक अगर आप पहले जो थे वो एब्डोमिनल रीजन में था, उसके बाद वो आपके लिवर को और किडनी को भी साथ में इफेक्ट करना शुरू कर देते हैं, वो मल्टीपल आपके ऑर्गन्स को इफेक्ट कर देते हैं. और इसमें सबसे पहले आ जाता है ब्रेस्ट और निपल पेन आ जाता है सिवियरली. अच्छा, इसमें बहुत सारे सिम्टम्स आपको तभी भी लगेंगे व्हेन यू हैव पीएमएस, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम. सो उसमें थोड़ा सा डिफरेंसिएशन की जो लाइन है वो थोड़ी जो है वो नैरो है, बट वही जो है आप थोड़ी सी नैरो है, बट थोड़ा सा आप अगर थोड़ा सा आपको अगर डिटेल पता होगा तो यू कैन डिफ्रेंशिएट डिफ्रेंशिएट बिटवीन जो है वो ब्रेस्ट कैंसर में और पीएमएस के सिम्टम्स में. अच्छा जी, उसके बाद सबसे पहले ब्रेस्ट, ब्रेस्ट और निपल पेन आ जाता है, उसके बाद जो है वो निपल रिट्रैक्शन आ जाता है, निपल डिस्चार्ज आ जाता है. अच्छा, बहुत सारे नाउ डेज जो है फीमेल्स में एक बहुत इशू आ रहा है कि बहुत अर्ली स्टेज में जो है वो उनकी प्यूबर्टी जो है वो स्टार्ट हो रही है, तो ये इश्यूज जो हैं वो बहुत सारा पहले भी, मतलब बहुत सारी छोटी एज में बच्चों को इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं होती. बिकॉज आई हैव सीन सम ऑफ द केसेस, यहाँ पे निपल डिस्चार्ज की वजह से मैं ये बात कर रही हूँ, आई हैव सीन अ केस इन माई ओन फैमिली के द किड गॉट, मतलब उसकी जो है वो एज स्टार्ट हो गई मेंस्ट्रुएशन की बहुत अर्ली, एंड शी गॉट लाइक निपल डिस्चार्ज, एंड दे वर वेरी वी वर वेरी लाइक एंग्जियस अबाउट के पता नहीं ये जो है वो ब्रेस्ट कैंसर हो गया है, बट देन वी गॉट टू नो अबाउट द प्रॉपर एग्जामिनेशन के वो जो था वो सिर्फ फैब्रिक एक एलर्जिक था, या डिफरेंट जो हम लोग जो है वो हम यूज कर रहे होते हैं डिटर्जेंट्स यूज कर रहे होते हैं टू वॉश आर गारमेंट्स, तो उनकी वजह से जो है वो बहुत सारे इन्फेक्शन हो जाते हैं. सो सिम्टम्स जो है फिजिकल सिम्टम्स, उनमें बहुत सारी एक नैरो लाइन है कि बहुत सारी मिक्सिंग है, हमें डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है. फॉर द प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन वी हैव टू गो टू द कंसल्टेंट, ऑब्वियसली द स्पेशलिस्ट, और वी हैव टू गो थ्रू द डिफरेंट ब्लड टेस्ट एज वेल. इसमें फिर आपके आ जाते हैं टेक्सचर में चेंजेस आ जाती हैं, ऑरेंज पील स्किन हो जाती है, बिकॉज वी नो इन द जो नॉर्मली जो होती है वो पिंकिश स्किन होती है, और हार्ड लंप बन जाता है, रेडनेस होना शुरू हो जाती है, या डिम्पल बन जाता है एक साइड पे, न्यू साइज और शेप होना शुरू हो जाती है एक साइड पे जो है वो आपके जो है फील होना शुरू होता है, देयर इज समथिंग लाइक एक गोला सा जिस तरह बन जाता है. जी, एक्सक्यूज मी मिस जीनिया, यहाँ पे स्टॉप कीजिएगा। मैं ना लिंक सेकंड जनरेट करने लगा हूँ, ये ड्रॉप होने लगा 20 सेकंड के अंदर। सो जितने भी पार्टिसिपेंट है प्लीज सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। सेकंड लिंक अभी ग्रुप के अंदर जो है ना वो शेयर कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। ओके श्योर. जी, अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, और प्लीज लिंक शेयर कर दीजिएगा रिस्पेक्टेड टीम पार्टनर के साथ और जो हमारे कस्टमर क्लाइंट हैं या न्यू लर्नर हैं। तो जी, ओवर टू मिस जीनिया, प्लीज आप सेशन को स्टार्ट कीजिए, हमें पार्टिसिपेंट ज्वाइन करते जाएंगे साथ साथ। थैंक यू। ओके श्योर. अच्छा जी, वी वर डिस्कसिंग अबाउट द साइंस, फिजिकल साइंस विच वी कैन हम अपनी सेल्फ जो है ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं अपने आप को कि हम भी उन लोगों में से एक तो नहीं है. तो उसमें हम बात कर रहे थे तो ब्रेस्ट या निपल पेन होना शुरू हो जाती है, निपल रिट्रैक्शन होना शुरू हो जाती है, डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है, और फिर जो है टेक्सचर चेंज होना शुरू हो जाता है, लाइक सैगी ब्रेस्ट होना शुरू हो जाती हैं, ऑरेंज पील स्किन होना शुरू हो जाती है, हार्ड लंप बनना शुरू हो जाता है, रेडनेस होना शुरू हो जाती है, डिम्पल बनना शुरू हो जाता है, इन इजी वर्डिंग अगर हम कहें तो एक साइड पर लंप बनना शुरू हो जाता है, वी फील लाइक देयर इज समथिंग लाइक एक नोड बन गई है साइड पे, न्यू साइज एंड शेप होना शुरू हो जाती है, लाइक समटाइम इट्स मोर लाइक के जो है वो सैगी होना शुरू हो जाती है, एंड समटाइम्स इट्स लाइक द टाइटनेस इन द चेस्ट, लाइक
इस तरह के जो है वो साइन एंड सिम्टम्स आपको होते हैं, बट फॉर द प्रॉपर एग्जामिनेशन ऑब्वियसली यू हैव टू गो टू द डॉक्टर और हैव टू गो टू द स्पेशलिस्ट, बिकॉज ये साइन एंड सिम्टम्स जो है एज आई हैव टोल्ड यू के ये बहुत ज्यादा मैच करते हैं आपके डिफरेंट अदर्स जो है वो चीज़ों के साथ, लाइक पीएमएस में आपको इस तरह के सिम्टम्स होना शुरू रहते हैं, लाइक मोस्टली नॉर्मली इन फीमेल्स जो है वो पीरियड्स में इस तरह के जो साइन एंड सिम्टम्स है वो फील करती हैं, और जो है कुछ में जो है जिस तरह मैंने आपको भी बताया कि जो निपल डिस्चार्ज है वो समटाइम कोई फैब्रिक एलर्जी की वजह से या कुछ स्पेसिफिक काइंड्स ऑफ डिटर्जेंट्स जो हैं वो या हम जो अपनी बॉडी पे यूज़ कर रहे होते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ बॉडी वॉशेस या सोप्स या अदर थिंग्स, उनकी वजह से भी ऐसा होता है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. अच्छा जी, अब हम ट्रीटमेंट्स की तरफ अगर आएँ तो नॉर्मली जो है वो फोर काइंड्स ऑफ ट्रीटमेंट्स जो है हम देखते हैं ऑब्जर्व करते हैं कैंसर में. सर्जरी सबसे पहले तो है, ठीक है, इसमें आपकी साइज देखा जाएगा ट्यूमर का, ठीक है, और देखी जाएगी एज देखी जाएगी उसकी कि कितना टाइम हो गया उस ट्यूमर को, कि ऑल्दो के वो सर्जरी पॉसिबल भी है या नहीं है, ठीक है, और यू हैव टू सम ब्रेस्ट टिश्यू रिमूव उसमें से कर दिए जाते हैं जिसे हम लिम्पेक्टमी कहते हैं, और ऑल ऑफ इट विच इज नॉन एज मेस्टेक्टमी, अगर कुछ किया जाए तो वो लम्पेक्टमी और अगर सारे कर दिए जाए तो वो मेस्टेक्टमी, और उसके बाद फिर कुछ रेडिएशंस हैं हाई एनर्जी रेडिएशंस एक्सरे जो है वो उनकी वजह से उनसे जो है वो कैंसर सेल को टारगेट किया जाता है जिसकी वजह से वो श्रिंक हो जाता है या वो टोटली जो है वो जो एक लम्प बन जाते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाता है. थर्ड आ जाता है मेडिकेशंस आ जाती हैं, एंटी कैंसर मेडिकेशंस आ जाती हैं जो कि ऑब्वियसली आपको जो है वो स्पेशलिस्ट प्रेस्क्राइब करते हैं, और उसके बाद फिर कॉम्प्लीमेंट्री आ जाता है ट्रीटमेंट समटाइम रेक एज मच हैवक एज द कैंसर इटसेल्फ. सो कॉम्प्लीमेंट एंड ट्रेडिशनल मेडिकेशंस विद मसाज योगा एक्यूपंक्चर एंड टॉक थेरेपी. तो ट्रीटमेंट के साथ साथ ये चीज़ें जो है लाइक एक्यूपंक्चर हो गया, टॉक थेरेपी हो गया, योगा हो गया, ये सारी चीज़ें भी मैंडेटरी हैं, बिकॉज सम टाइम जो है आपकी मेडिकेशन भी आपको उतना बेनिफिट नहीं दे रही होती है, जिस तरह एज आई हैव टोल्ड यू कि जो थर्ड स्टेज या मोस्टली फोर्थ स्टेज के जो कैंसर्स होते हैं वो सिर्फ मैनेजेबल होते हैं, तो जब मैनेज मैनेज करने की बात है तो वहाँ पे आपकी जो मेडिकेशंस होती हैं उनसे ज़्यादा आपकी लाइफस्टाइल जो है वो मैटर कर रहा होता है. सो फॉर दैट ये चीज़ें जो हैं दीज कैन हेल्प टू मैनेज और उसको बेटरली उसके साथ सर्वाइव करने में हेल्प आउट कर सकती हैं पेशेंट को. अच्छा जी, यहाँ पे सम ऑफ द एग्जाम्पल्स के जिनके साथ फीमेल्स ने जो है वो सर्वाइव किया है, मोस्ट फेमस सोनाली बिंद्रा हैं जिन्होंने एक सर्वाइवर हैं ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हैं, ठीक है, उसके बाद महिमा चौधरी हैं, ताहिरा केशव हैं, और उसके बाद गौतमी हैं, ये दीज आर द एग्जाम्पल्स जिन्होंने जो है ये सर्वाइव किया है इसके थ्रू या अभी भी कर रही हैं एज लाइक गौतमी. इनमें जो है फीमेल उसकी फीमेल हिस्ट्री लाइक के मदर की जो थी वो हिस्ट्री ली जाती है या उससे पहले, और आपकी जो हिस्ट्री है आपकी जो जीन्स हैं वो फ्रॉम आपके जो कहते हैं कि 7 जनरेशन्स बैक भी जो है आपकी हिस्ट्री वो रिपीट हो सकती है. सो यू कांट से दैट कि आपके पेरेंट्स को ये इशू नहीं था या आपके दादा दादी को ये इशू नहीं था तो आपको ये चीज नहीं हो सकती, मे बी वो इस चीज के कैरियर हो, लाइक 7 जनरेशन्स बैक उनमें से हिस्ट्री में किसी को हो और आप जो है वो उसके कैरियर हो. सो डोंट कंसिडर योर सेल्फ कि आप जो है वो यू आर फ्री फ्रॉम द डिजीज, कि आपको ये चीज हो सकती है. ऑब्वियसली मुझे भी नहीं पता कि मेरी 7 जनरेशन्स बैक मेरी क्या हिस्ट्री थी, ऑब्वियसली आई डोंट नो, तो लेकिन यू शुडंट कंसिडर योर सेल्फ दैट यू आर सेफ. आपको प्रिवेंटिव मेजर्स लाजमी करने हैं बिकॉज मे बी उनमें से जो हमारे थर्ड फोर्थ जनरेशन है वो उसके कैरियर हो और हम जो है वो अपने लाइफस्टाइल मैनेजमेंट की वजह से या अपने जो है वो बुरी किसी मेडिकेशन यूज की वजह से या और बहुत सारे इश्यूज की वजह से जो है वो चीज टारगेट कर जाए, उसको टारगेट कर दे और एक्टिवेट कर दे और हम जो है वो उसकी वजह से सफर हो जाए. उसके बाद मिनार बिफोर द एज ऑफ 12 और फिर मीनोपॉज अर्ली मीनोपॉज, ये भी बहुत बड़ा एक इशू है, ठीक है, हाई डेंसिटी ब्रेस्ट फाइब्रो ग्रेन्यूलर ग्रेन्जुलर
आ जाता है, इम्प्रॉपर डाइट आ जाता है, ओबेसिटी आ जाता है, हार्मोन ड्रग्स या इन्वायरमेंटल हार्मोन्स आ जाते हैं, अल्कोहल टोबैको एंड ड्रग्स आ जाता है, नॉट ब्रेस्ट फीडिंग, नॉट हैविंग चिल्ड्रन या एडवांस मेटरनल एज। अच्छा जी, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे अगर हम बाद में बात करूँ ना, तो जो आजकल द मोस्ट इन ट्रेंड द फेमिनिज्म में आ जाता है कि जी वी आर नॉट गॉन फॉर द ब्रेस्ट फीडिंग, हम ये प्रैक्टिसेस नहीं कराएंगे, या द मॉडर्न मदर्स कंसिडर दैट के जो आप जो है वो हम जो फॉर्मूलाज दे रहे हैं दे आर इनफ, और उनमें जो है एडिशनली जो है न्यूट्रिएंट्स हैं, जो चीज या द थिंग विच इज विच कैन बी सर्व बाय ब्रेस्ट फीडिंग दैट कांट, योर फॉर्मूला कांट गिव दैट। मोस्टली आई हैव सीन दैट एवरेजली 99% आई हैव सीन दैट इन माई क्लिनिकल प्रैक्टिस, के जो बच्चे फॉर्मूला पे फीड हुए हुए होते हैं, वो उनमें उनकी कॉग्निशन डेवलपमेंट या उनकी जो है फिजिकल डेवलपमेंट, उनकी जो है मस्कुलर डेवलपमेंट, हर तरह से डेवलपमेंट में वो एक जो नॉर्मल बच्चा है जो ब्रेस्ट फीडिंग पे जो है वो बड़ा हुआ है उसकी निस्बत वो बहुत कम होते हैं। उनकी जो इम्यूनिटी का लेवल है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, उनके जो डिजीज के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। ओबेसिटी और हॉर्मोन्स, ये दोनों चीज़ें हम लोग कंसिडर नहीं करते, हम लोग सिर्फ कंसिडर करते हैं ओबेसिटी और हॉर्मोनल चेंजेस को, कि वो सिर्फ कंसिडर आपके फर्टिलिटी के साथ रिलेट करते हैं या आपके सिर्फ जो है वो पीरियड साइकिल के साथ रिलेट करते हैं। नॉट, इट्स नॉट दैट, ये आपके बाकी और सारी बहुत सारी चीज़ों को ट्रिगर कर रहे होते हैं, जिस तरह बहुत सारे लोगों में भी आज पता चला हो कि ये ब्रेस्ट कैंसर को भी ट्रिगर कर रहे होते हैं साथ में, बिकॉज इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, आपके हॉर्मोन्स की प्रोडक्शन एक्सेस हो जाती है, और जिसकी वजह से जो मोस्ट आपके जो वेल नोन हॉर्मोन्स हैं इन फीमेल्स में जो है आपके रिप्रोडक्टिव हार्मोन एस्ट्रोजिन और प्रोजेस्टेरोन, उनकी ओवर प्रोडक्शन होना शुरू हो जाती है। आगे रोल भी है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड आई विल टेल यू कि जो है एस्ट्रोजिन किस तरह से जो है वो आपका रिप्रोडक्टिव हार्मोन है, बट हाउ इट कैन अफेक्ट यू द ब्रेस्ट कैंसर। इसमें दिस पिक्चर इज शोइंग दैट कि एक हेल्दी सेल और उसका डीएनए है, फिर उसके साथ फ्री रेडिकल ने अटैक किया उसके डीएनए को, और उसके जो क्रोमोसोम्स हैं वो जो है वो मिक्स एंड मैच हो गए बिकॉज प्रॉपर सेल डिफरेंशिएशन नहीं हुई, और उसकी वजह से म्यूटेशन आ गई सेल्स के अंदर जो रेप्लिकेट हुए थे, तो उसकी वजह से जो है वो कैंसर डेवलप होता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा जी, यहाँ पे इस्ट्रोजिन की अगर हम बात करें, इस्ट्रोजिन वैसे तो आपको पता होगा कि इस्ट्रोजिन और प्रोजेस्टेरोन जो है वो जो है वो फीमेल्स के जो है रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स हैं, और रिप्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वेन एवर एनी फीमेल जो है वो अफेक्ट करती है, उसको कोई भी प्रॉब्लम हो रहा हो फर्टिलिटी से रिलेटेड, या आपके जो नॉर्मल साइकिल पीरियड्स का डिस्टर्ब हो रहा हो, तो डॉक्टर से सजेस्ट यू टू गो फॉर द हार्मोनल चेक कि आपके हार्मोन्स का लेवल तो नहीं डिस्टर्ब। तो दिस इज द सेम रीजन यहाँ पे। अब इस्ट्रोजिन किस तरह से, इस्ट्रोजिन की डोमिनेंस किस तरह से कैंसर जो है वो डेवलप कर रही होती है, इस्ट्रोजिन आपका जो है ना वो एज ए कैटलिस्ट एक्ट करता है फॉर कैंसर ग्रोथ, क्योंकि ये स्टिमुलेट करता है डिवीजन को ब्रेस्ट टिश्यूज की, ठीक है, जो कि एक प्रोसेस होता है जो कि आपके कैंसर कॉजिंग म्यूटेशंस हैं उसके रिस्क को जो है वो बढ़ा देता है। एज लॉन्ग एज के ये इम्पॉर्टेंट है नॉट आउट फॉर द नॉर्मल रिप्रोडक्शन के लिए, लेकिन ये जो है ओवर प्रोडक्शन जो है ये डोमिनेंस जो अगर हो जाएगी तो वो बहुत सारे मसले भी करेगा। फ्रॉम वन ऑफ द मेन रीजंस इज के ये ब्रेस्ट कैंसर जो है वो कर सकता है, इसका रीजन हो सकता है वर्सन पीएमएस, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम बिफोर द यू गेट द पीरियड्स एवरी मंथ, उससे पहले जो है सिम्टम्स आ रहे होते हैं, हेडेक हो रहा होता है, या एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो रहे होते हैं, या लोअर बैक पेन हो रही होती है, ठीक है, इस तरह के बहुत सारे सिम्टम्स जो हैं उसको। अब कुछ लोगों में सैगी ब्रेस्ट हो जाती है, ठीक है, इन बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो एस्ट्रोजन डोमिनेंस की वजह से हो रहे होते हैं। फिर लो लिबिडो मतलब सेक्सुअल डिजायर जो है वो कम होना शुरू हो जाती है, ठीक है, फर्टिलिटी इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं, ओवेरियन सिस्ट बनना शुरू हो जाती हैं, जो कि ऑब्वियसली फिर ट्रिगर वो आपके रिटार्डेशन क्रिएट करती हैं आपके फर्टिलिटी में, ठीक है, हैवी पीरियड्स होना शुरू हो जाते हैं, सेलुलाइट होना शुरू हो जाता है, सेलुलाइट अगर हम देखें तो जो है
आपके अनइवन सरफेस होना शुरू रहता है, या डिम्पलिंग, जिस तरह एग्जाम्पल में अगर देखो, सम पीपल सी दैट के जो डिम्पल है फेस के ऊपर, दैट सीम्स क्यूट, बट ऑब्वियसली बट वो होता क्या है कि आपके जो टफ और लॉन्ग कनेक्टिव कोर्ड्स होते हैं वो पुल डाउन होना शुरू हो रहते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो है वो अनइवन स्किन सर्फेस हो रहता है, और दैट इज कॉल्ड डिम्पलिंग। ये ओवरऑल जो फिर आपके ना बैक पे होना शुरू हो रहता है, और आपके एब्डोमिनल रीजन में ही होना शुरू होता है, नॉट ऑन द फेस बट ऑन द एब्डोमिनल जो है रीजन में ही होना शुरू हो जाता है। ठीक है, फ्लूइड रिटेंशन होना शुरू हो रहती है, हाथ पांव जो है वो ज्यादा जो है वो स्वोलन होना शुरू हो जाते हैं, और ये होता है जिसकी वजह से एक्सेस वेट भी पुट ऑन होता है, और वो वेट जो है मोस्टली जो है वो वाटर वेट आपका होता है, बिकॉज सोडियम रिटेंशन, सोडियम जो है वो आपका एक्सेसिव सोडियम जो है वो आपकी वाटर रिटेंशन कराता है बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से जो है वो आपकी फ्लूइड रिटेंशन की वजह से आपका वाटर भी गेन होता है। एंडोमेट्रियोसिस होता है, एंडोमेट्रियोसिस भी पता होगा आपको कि एंडोमेट्रियोसिस जो है ये भी एक डिजीज है, जिसमें जो है आपके टिश्यूज जो है वो एज सिमिलर टू द यूट्रस की लाइनिंग के, वो उस तरह से ग्रो करते हैं लेकिन आउटसाइड द यूट्रस करते हैं, जिस तरह की यूट्रस की इंटरनल लाइनिंग होती है उसी तरह की सेम लाइनिंग यूट्रस के बाहर क्रिएट होना शुरू हो जाती है, और उसकी वजह से जो है वो फर्टिलिटी प्रेग्नेंट होने में, कंसीविंग में इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं, और आपके पेल्विक रीजन में बहुत ज्यादा पेन रहना शुरू हो जाती है। इसके बाद फाइब्रॉइड्स आ जाता है, एबनॉर्मल ग्रोथ होना शुरू हो जाती है यूट्रस में, और ये जो है समटाइम्स ट्यूमर जो है वो बहुत ज्यादा ट्यूमर्स की फॉर्म में भी शिफ्ट हो जाता है इवेंचुअली, व्हेन इट स्टार्ट्स, तो ये ट्यूमर नहीं होता लेकिन अगर इफ अनट्रीटेड तो ये ट्यूमर की फॉर्म शक्ल इख्तियार कर लेता है। इसके अलावा लंपी और पेनफुल स्वोलन ब्रेस्ट होना शुरू हो जाता है, वेट गेन होना शुरू हो जाता है, पर्टिकुलरली अराउंड द हिप्स, और फीमेल में मोस्टली जो है वो जो है पियर शेप और ब्रेस्ट ही होता है, तो मोस्टली जो फैट आता ही आपके पेल्विक रीजन पे ज्यादा है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा जी, यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी डिपिक्शन दी हुई है हार्मोन रिसेप्टर की ब्रेस्ट कैंसर में, कि एक नॉर्मल ब्रेस्ट सेल्स जो है उसके ऊपर देखिए आप प्रोटीन रिसेप्टर है, लेकिन जो एक कैंसरस ब्रेस्ट कैंसर है उसमें आपके इस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और ग्रोथ फैक्टर जो है वो भी अटैच हो जाते हैं टू रिसेप्टर, फ्यूलिंग सेल डिवीजन एंड ग्रोथ। जो मैं बात कर रही थी पीछे कि जब सेल ग्रोथ होती है, सेल जब जो है वो उनकी मल्टीप्लीकेशन होती है, माइटोटिक डिवीजन चल रही होती है, फिजियोलॉजी ऑब्वियसली न्यूट्रिशन स्टूडेंट्स फिजियोलॉजी उन्होंने जरूर पढ़ी होगी, तो उसमें यू हैव मस्ट हैव हर्ड कि जब माइटोटिक डिवीजन हो रही होती हैं, सेल जो है वो एक से दो में जो है वो डिवाइड हो रहा होता है, तो जो है वो उसका साइटोप्लाज्म और डीएनए अलग दोनों हो रहे होते हैं, तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं डीएनए के अंदर वो क्या कर रहे होते हैं, वो आपके स्पिंडल फाइबर्स के ऊपर अटैच होना शुरू होते हैं, और उसमें माइटोटिक डिवीजन में फिर आपके वो जो है वो दोनों पोल्स के ऊपर चले जाते हैं, फिर आपके जो है वो उनके अराउंड जो है वो वॉल क्रिएट होना शुरू हो जाती है, ठीक है, और प्रॉपर दोनों के डीएनएस भी अलग हो जाते हैं, बट जब कैंसरस सेल होते हैं वहां पे डीएनए एक वेल डिफाइंड नहीं रहता, वो उसमें लीकेज होना शुरू होती है, और आपका जो जो है वो आपके क्रोमोसोम्स हैं वो आपके जो है साइटोप्लाज्म के साथ मिक्सअप हो जाते हैं, और वो म्यूटेशन आना शुरू रहती हैं, जो आपके जो है वो डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ब्रेस्ट जो है वो क्रिएट करते हैं, कैंसर्स क्रिएट करते हैं। अच्छा जी, कॉजेज ऑफ एस्ट्रोजन डोमिनेंस की वजह से ओबेसिटी होती है, स्ट्रेस इज द मोस्ट लीडिंग इशू, अल्कोहल कंजम्पशन, और फिर जो है गट डिसबायोसिस होना शुरू हो जाता है, मेडिकेशंस और सिंथेटिक जीरो एस्ट्रोजेंस जो है वो इसकी वजह से जो है एस्ट्रोजन डोमिनेंस इस वजह से भी आती है। सो ओबेसिटी इज नॉट ओनली अबाउट कि आपका वेट गेन हो गया है, दिस इज ऑल्सो ए वार्निंग साइन दैट यू कैन डेवलप द ब्रेस्ट कैंसर एज वेल, एंड आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस या आपके पीरियड साइकिल अबनॉर्मल होने के अलावा ये इश्यू भी आपको हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा जी, यहाँ पे अगर हम प्रिवेंशन की बात आएं, सो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, और ट्रीटमेंट्स में जो आपके जो है डिफरेंट सॉर्ट ऑफ मेडिकेशंस उनसे ज्यादा बेटर है द ऑर्गेनिक, और जो नेचुरल ट्रीटमेंट है वो ज्यादा बेनिफिट करता है, बिकॉज आपके जो इम्यून सिस्टम है या आपकी इम्यूनिटी जो है वो तो पहले ही इफेक्ट हुई हुई होती है, सो एज लॉन्ग एज डिजीज को ट्रीट करने के साथ साथ आपकी इम्यूनिटी को भी साथ साथ स्ट्रेंथन करना इज मोर इम्पॉर्टेंट, तो उसमें हैव दीज टू प्रोडक्ट्स, एक उसमें जिंक आ जाता है और एक उसमें ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट आ जाता है, और दीज आर द वंडर प्रोडक्ट्स दैट
help in प्रिवेंशन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर्स. वी विल सी. ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट आ रहा था सबसे पहले, जो है वो रिच इन एंटीऑक्सीडेंट है, और जिसमें फिनोलिक एसिड है, एंथोसाइनिन्स हैं, फ्लेविनॉइड्स हैं, और अलिगोमेरिक प्रो एंथोसाइनिडाइन कॉम्प्लेक्सेज हैं, ओपीसीज, ठीक है, जो कि आपके जो है एंटीऑक्सीडेंट या फ्री रेडिकल्स को जो है वो डिस्ट्रॉय करते हैं. और जब भी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से जो है, स्ट्रेस कि जहाँ हम बात कर रहे थे पीछे, वहां पे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बेसिकली रिएक्टिव ऑक्सीजन आपकी बॉडी के जो है अंदर ज्यादा बनना, उसका रिएक्शन जो है वो ज्यादा होना शुरू हो जाता है, और वो भी एक रीजन होती है. तो उसकी वजह से जो है फ्री रेडिकल्स की प्रोडक्शन आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा हो जाती है. सो उसके लिए एंटीऑक्सीडेंट्स लेना इज वे मोर इम्पॉर्टेंट, जो कि अगर ज्यादा हो जाएंगे तो ऑब्वियसली वो कैंसर कॉज करते हैं. ड्यू टू इट्स हाई एंटीऑक्सीडेंट कंटेंट, जो ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट है वो हेल्प करता है डिजीज को, और प्रोटेक्ट करने में, प्रिवेंट करने में, और प्रोटेक्ट अगेंस्ट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, टिश्यू डैमेज और इन्फ्लेमेशन. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. अच्छा जी, यहाँ पे अब इसके बेनिफिट्स की अगर हम बात कर लें, तो ये क्या करता है, ऑक्सीडेटिव डैमेज को रिड्यूस करता है, ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करता है, ब्लड फ्लो को जो है वो इम्प्रूव करता है, कॉलेजन लेवल्स को बेटर करता है, बोन स्ट्रेंथ को करता है. कॉलेजन लेवल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सम फीमेल्स कंप्लेन दैट के वो बहुत ज़्यादा इन सिम्टम्स के बाद जो है वो आपके ब्रेस्ट साइज चेंज होना शुरू रहते हैं, सेगी ब्रेस्ट होना शुरू रहती है. तो आपके जो कॉलेजन है वो बेसिकली इसका पर्पज़ है आपकी स्किन टाइटनिंग. सो रिगार्डलेस ऑफ द ब्रेस्ट टाइटनिंग या बाकी और चीजों के, आपके स्किन टाइटनिंग में भी इम्पोर्टेंट हेल्प करता है. बट वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस, तो उसमें भी अगर लोगों को इश्यूज आते हैं, कंसर्निंग इश्यूज आते हैं, सो इट कैन प्रिवेंट दैट एज वेल. सपोर्ट्स योर ब्रेन एज इट एजेस, बिकॉज ऑब्वियसली आपकी जो है वो न्यूरॉन्स और न्यूरल फंक्शंस जो है वो भी आपके इफेक्ट होते हैं एज विद द एज. और फिर क्या करता है, आपके किडनी फंक्शन को इम्प्रूव करता है, आपके इन्फेक्शन की ग्रोथ को इनहिबिट करता है, कैंसर्स के रिस्क को कम करता है, आपके लिवर को प्रोटेक्ट करता है, और इन्हेंस करता है आपकी वूंड हीलिंग को और आपकी उसकी अपेयरेंस को. मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर रहा होता है, मल्टीटास्किंग है. ओपीसी हैव डिमॉन्स्ट्रेटेड दी एंटी प्रोलिफरेटिव इफेक्ट एंड साइटोटॉक्सिक इफेक्ट ऑन सेलेक्टेड कैंसर सेल्स इंक्लूडिंग ब्रेस्ट कैंसर्स, ठीक है. और सेवरल स्टडीज हैव कॉन्स्टेंटली शोन दैट ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट इनहिबिट द फॉर्मेशन ऑफ कैंसर स्टेम सेल्स इन ब्रेस्ट एंड कोलोन कैंसर्स. तो अगर जो है वो प्रिवेंशन हो जाएगी तो वो ज्यादा बेटर है देन क्योर. तो जब जो है फॉर्मेशन कैंसर सेल की स्टेम की जो है उसको ही इनहिबिट कर देता है बनने से, तो ऑब्वियसली बात है आपके रिस्क जो है वो कम होना शुरू हो जाते हैं. ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट सप्रेस ब्रेस्ट कैंसर सेल माइग्रेशन एंड इन्वेजन. जिस तरह मैंने पहले बात की कि जरूरी नहीं होता कि आपका जो कैंसर है वो एक ही रीजन पे रहेगा, वो शिफ्ट भी हो सकता है. सो मैंने आपको पहले बताया कि जो आपका सर्वाइकल कैंसर है या आपका ब्रेस्ट कैंसर है, ये भी एक उन्हीं कैंसर की टाइप में से है जो कि शिफ्ट करता है, मतलब दूसरे रिलेटेड टारगेटेड एरियाज को भी टारगेट कर सकता है, ठीक है. तो जो ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट है ये आपका जो है वो उसको भी माइग्रेट नहीं करेगा कैंसरस सेल्स. इसके अलावा पोटेंशियली यूजफुल इन द प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट ऑफ हार्मोन डिपेंडेंट ब्रेस्ट कैंसर थ्रू द इनहिबिशन ऑफ एरोमेटेज एक्टिविटी. सो इज इट इट इज हेल्पफुल इन प्रिवेंशन ऑफ कैंसर्स और उसकी मैनेजमेंट में भी एज वेल. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. अच्छा जी, नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारे पास जिंक था. जिंक जो है वो हमें पता है कि एक इसेंशियल न्यूट्रिएंट है, ठीक है, और उसमें जो है वो आपकी बॉडी जो है वो उसको इतना ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकती और स्टोर नहीं कर सकती. तो उसकी जो है वो हमें जरूरत होती है. इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हमारे वो होते हैं जिनको हमारी बॉडी खुद से एज इट इज जो है वो उसकी स्टोरिंग पावर या उसकी मेकिंग पावर नहीं होती, तो हमें वो आउटसाइड सोर्स से ही लेना पड़ता है.
जिंक इज द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट ट्रेस मिनरल है हमारी बॉडी के अंदर और आफ्टर आयरन, और ये जो है वो हर सेल में प्रेजेंट होता है, और इसकी वजह से जो है बहुत सारे जो है हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं डिफिशेंसी की वजह से, स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज, एंड इट्स डिजाइन बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज अ मेजर डिजीज कॉन्ट्रीब्यूटर कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर, और उसमें एक लीडिंग रीजन ये भी है कि मल्टीपल डिजीजेस को भी करता है और आपके फिर कैंसर रिस्क को भी जो है वो इफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा जी, जिंक के बेनिफिट्स आ जाते हैं। रिक्वायर्ड फॉर मोर देन 300 डिफरेंट सेलुलर प्रोसेसेस इन द बॉडी इंक्लूडिंग जीन एक्सप्रेशन, एंजाइमेटिक रिएक्शंस। अच्छा, जहाँ पे भी कैंसर की बात आ जाती है ना, तो वहाँ पे म्यूटेशंस आपके सेल्स के लेवल पे आती हैं और आपके डीएनए के लेवल पे आती हैं, तो यहाँ पे जीन एक्सप्रेशन ये इन सारी चीज़ों के लिए सो इट इज़ वे मोर इम्पॉर्टेंट, नॉट ओनली ऑन इट इज़ इन्वॉल्व इन जेनेटिक्स, मतलब यहाँ पे ये यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर म्यूटेशंस एक दफ़ा आ जाती हैं तो वो फिर लाइक अगर आपकी जिस तरह मैंने पहले बात की कि आपके प्रीवियस जीन्स में नहीं थे ना, तो मे बी अगर आप आपके जीन्स में म्यूटेशंस आ गए हैं तो आप कैरियर हो या आपको वो डिजीज हो गई है, तो आप यू आर इन एन अलार्मिंग जो है वो फैक्टर फॉर द नेक्स्ट 7 जनरेशन, सो दिस इज वे मोर इम्पॉर्टेंट हेयर। तो एंजाइमेटिक रिएक्शंस, और एंजाइमेटिक रिएक्शंस अगर प्रॉपरली नहीं होंगे तो फिर जो है प्रोसेस बॉडी प्रोसेसेस जो है जो सारे ऑल्टर होना शुरू हो जाते हैं। इम्यून फंक्शन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन सिंथेसिस इज वे मोर इम्पॉर्टेंट आपकी मस्कुलर हेल्थ के लिए। डीएनए सिंथेसिस मैंने आपको पहले बताया जिस हम फिजियोलॉजी की बात करते कि डीएनए सिंथेसिस प्रॉपरली नहीं होती और जो आपके क्रोमोसोम्स हैं वो मिक्सअप हो जाते हैं आपके साइटोप्लाज्म के साथ, और फिर जो है वो म्यूटेशंस आना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, वूंड हीलिंग में हेल्प करता है, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में हेल्प करता है, हार्मोन बैलेंसिंग में, और हॉर्मोन्स का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल है, नॉट ओनली पीसीओएस से हटके सिर्फ हॉर्मोन्स को हमारे यहाँ जो है जनरली वो पीसीओएस के साथ ही रिलेट किया रहता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। पीसीओएस के साथ ही रिलेट किया रहता है, बट जो है ये आज हमने देखा है कि वो आपके डिफरेंट काइंड ऑफ कैंसर्स को भी जो है वो ट्रिगर कर सकता है। जिंक जो है, ट्यांस का जिंक जो है, या जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, या ऑर्गेनिक होने की वजह से इसके बेनिफिट्स जो हैं ज्यादा हैं। जिंक इम्पॉर्टेंट जो है वो ट्रेस मिनरल है, और आपके डिफरेंट एंजाइमेटिक रिएक्शंस को, मेटाबॉलिक रिएक्शंस को, सेलुलर प्रोसेस को ह्यूमन बॉडी के अंदर रेगुलेट कराने में हेल्प आउट करता है। आपके अब नॉर्मल जिंक होमियोस्टेसिस जो है वो आपका करता है इंक्लूड आपके ब्रेस्ट कैंसर जो उसको कॉज कर सकता है। ठीक है, हाई सीरम जिंक लेवल्स रिड्यूसेस ब्रेस्ट कैंसर रिस्क। ठीक है, उसके बाद मेटा एनालिसिस प्रोवाइड एविडेंस दैट जिंक लेवल्स इन फीमेल ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स आर लोअर देन इन कंट्रोल्स। ठीक है, और इसमें जो है सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन लोअर्ड सीरम जिंक कंसनट्रेशन एंड रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर ऑनसेट और रिकरेंसेस इन वुमेन। तो एक सेफर साइड जो है वो आपकी प्रोवाइड करता है, जो कि एक सर्वाइवल में या उसकी जो है वो मैनेजमेंट में उसको जिंक जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा जी, सो ये दोनों जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अगर ग्रेप सीड जो है वो आपकी डिजीज को साथ साथ मैनेज कर रहा है तो साथ साथ आपके जिंक भी जो है वो उतना ही इम्पोर्टेंट है, साथ साथ आपको इम्यूनिटी स्ट्रेंथ ये सारे कुछ प्रोवाइड कर रहा होता है और आपके जो है रिएक्शंस को नॉर्मल करा रहा होता है। सो दीज टू आर वे मोर इम्पोर्टेंट। अदर देन दैट आपकी जो है वो न्यूट्रिशन भी बहुत मैटर करती है, और उसमें जो है आपकी न्यूट्रिशन में आपके जो है गुड लेवल्स ऑफ सिट्रस फ्रूट्स भी हेल्प आउट करते हैं आपकी मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी की अगर हम बात करें तो उस कैंसर्स में। उसके अलावा आपके विटामिन डी के लेवल्स, ठीक है, उसके अलावा गुड अमाउंट ऑफ द फूड ऑप्शंस जो कि जिन अच्छा जो है आपको प्रोवाइड करती हो, जिंक या ट्रेस एलिमेंट्स या इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती हो जो कि आपकी बॉडी खुद से नहीं बना सकती है, तो वो आपकी इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड्स जो है वो बहुत हेल्प आउट करती हैं कैंसर को प्रिवेंट करने में, उसको ट्रीट करने में, उसको मैनेज करने में। एज आई टोल्ड यू कि क्रॉनिक स्टेजेस में सिर्फ हम उसे मैनेज कर सकते हैं। सो या दिस इज इट फॉर फ्रॉम माई साइड फॉर टुडेज सेशन। आई होप कि कुछ आपकी भी लर्निंग हुई हो इस वजह से। इफ एनी वन हैज एनी क्वेश्चन सो यू कैन आस्क। जी, थैंक यू सो मच मिस जेनिया। माशाल्लाह से बहुत अच्छे से आपने टॉपिक को कवर किया है और बहुत आसान करके चीज़ों को पोर्ट्रे करने की आपने कोशिश की है। ये बड़ा प्राइसलेस जो है वो नॉलेज है।
इसमें अब असल में ना तीन चीजों का कॉम्बिनेशन है, आपको मैं ये चीज बता दूं। देखें, एक है डेटा, वो डेटा जो गूगल पे मौजूद है, ठीक है। एक वो डेटा है, अगर आप एक एक स्लाइड को देखेंगे, मैं इंशाल्लाह ग्रुप में शेयर भी कर दूंगा, और एक वीडियो जो है, जो पिंक रिबन पाकिस्तान में उसके जो फाउंडर हैं मिस्टर उमर आफ्ताब, ठीक है, उन्होंने 92 न्यूज के ऊपर और डिफरेंट न्यूज चैनल्स के ऊपर उन्होंने ना बहुत ज्यादा, अगर आप देखें कोई 2 वीक्स हो गए हैं, उनके छोटे छोटे प्रोग्राम हैं 20 20 मिनट के, तो वो एक, मैं उसका उसका जो है ना वो ऑफिशियल वीडियो भी उनका एक जो मैंने सुना और जो मुझे समझ आया वो मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा, कि वो बहुत ज्यादा, वो बेचारे सिर्फ अवेयरनेस पे काम कर रहे हैं। लिटरली हमारे पास एक बहुत बड़ा चांस है कि हम लोगों को प्रिवेंटिव मेजर्स की तरफ और रिवर्सल की तरफ, थ्रू दीज हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स, थ्रू लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, थ्रू क्लीन एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन, ठीक है, इन तीनों चीजों के कॉम्बिनेशन से हम लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो उसमें यह है कि वो प्रोग्राम आप सुनिएगा और आप देखिएगा कि कितनी बड़ी मार्केट मार्केट मौजूद है, लो क्वालिटी इंफॉर्मेशन के साथ क्वालिटी सॉल्यूशंस भी देख रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अब यह है कि ट्यांस प्लेटफॉर्म के अंदर मैंने आपको पहले बताया कि वेलनेस स्टार्टअप एकेडमी को लोगों ने पहले ज्वाइन करना है, ठीक है। देखें, मैं ग्रुप को लीड कर रहा हूँ, डेफिनेटली वी हैव अ प्रोफेशनल ग्रुप। अगर एक आम बंदा ट्यांस को ज्वाइन करता है, वो किसी भी सिटी में करता है, वो एक अपने तरीके से करता है, तो वो नहीं है ट्यांस, ठीक है। सो मेक श्योर कि ये डेटे को आप ज्वाइन करें, इसको आप अंडरस्टैंड करें, और आप अपने पर्सनल वेलनेस स्टार्टअप को प्रोसीड करें थ्रू दिस जो है वो दुनिया की लार्जेस्ट कंपनी के साथ। सो अभी हमारे साथ डॉक्टर बीरा है, मैं इनको कहूंगा कि नेक्स्ट 3 से 4 मिनट में प्लीज आप भी जो है वो थोड़ा सा ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से थोड़ा सा आप पोर्ट्रे कीजिए। आपको वॉइस मेरी आ रही है डॉक्टर बीरा? अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम असलाम। जी। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ब्रेस्ट कैंसर का, बिकॉज ब्रेस्ट कैंसर इज वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ ऑफ फीमेल्स इन पाकिस्तान। सो देयर शुड बी नीड टू एजुकेट फीमेल्स। हमें फीमेल्स के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करनी है बेसिकली, कि वो किस तरह से अपने आप को प्रिवेंट कर सकती हैं ब्रेस्ट कैंसर से। तो माशाल्लाह से मिस जीनिया ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सो देयर शुड बी अ नीड कि हम अवेयरनेस क्रिएट करें, और फीमेल्स के अंदर हम ये चीज़ क्रिएट करें कि वो अपने आप को सेल्फ एग्जामिन करें। हर 8 8 दिन बाद, 10 10 दिन बाद वो अपने आप को मिरर के सामने खड़े होकर सेल्फ एग्जामिन कर सकती हैं विदाउट एनी असिस्टेंस, ठीक है। बहुत इजी से उसके स्टेप्स हैं, 4 स्टेप्स हैं, ठीक है। आप अपनी जो राइट हैंड है इसकी जो 3 फिंगर्स हैं, ठीक है, तो इसके जो पहले पोर होते हैं, ठीक है, फिंगर पैड्स नॉट फिंगर टिप्स, इसको आपने स्पायरल फॉर्म में ब्रेस्ट पे मूव करना है, ठीक है, ब्रेस्ट पे रब करना है, ठीक है। सबसे पहले जो इंडिकेटेड पॉइंट होता है वो निप्पल्स होते हैं। निप्पल से लेके आपने कोलर बोन तक जाना है, फिर कोलर बोन से लेके आपने जो मिड ऑफ द चेस्ट है, ठीक है, वहां पे आपने रब करना है। फिर उसके बाद आपने आर्म पिट्स को चेक करना है। फिर उसके बाद आपने निप्पल को प्रेस करके देखना है कि कोई सिक्रीशंस तो नहीं आ रही, कोई निप्पल आपका इन्वर्टेड तो नहीं है, कोई गिल्टी तो नहीं बनी हुई। तो इस तरीके से आप अपने आपको जो है एग्जामिन कर सकते हैं और अपने आपको प्रिवेंट कर सकते हैं। दूसरी चीज मैं डिस्कस करूंगी कि आजकल लाइफ स्टाइल जो है वो बहुत ज्यादा खराब है फीमेल्स का स्पेशली, और जो है वो जरूरत ये है कि हम अपने लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करें। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन और डाइटरी बैलेंस जो है वो बहुत जरूरी है, ठीक है, विद ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स। तो कोशिश ये करें कि फीमेल्स को चाहिए कि ये पिज्जा बर्गर शॉर्मा खाने की बजाय कि वो अपने आप को जो है वो बैलेंस डाइट की तरफ लेके आए, और जो है अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा किया जाए, ठीक है, ट्रांस फैट और सेचुरेटेड फैट का इस्तेमाल ना किया जाए, होल ग्रेन सीरियल्स का इस्तेमाल किया जाए ज्यादा से ज्यादा, फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट्स का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें, विटामिन सी विटामिन डी, आजकल वैसे भी जो है ऑरेंजेस आने वाले हैं, ठीक है, और मार्जरीन्स हैं और किन्नू, और ठीक है, इनका इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें। बेरीज का इस्तेमाल जो है वो ज्यादा से ज्यादा किया जाए, और इसके अलावा मिल्क इस्तेमाल करें बट फैट फ्री होना चाहिए। नट्स का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। पानी का जो है, वाटर को हम स्किप कर देते हैं बट वाटर का इंटेक जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा सबसे ज्यादा फीमेल्स को मीठा बहुत पसंद होता है और बहुत क्रेविंग्स हो रही होती हैं कि जी हम चॉकलेट का यूज कर लें, और या फिर व्हाइट शुगर बहुत ज्यादा यूज की जाती है। तो इससे आपने अपने आप को आपने प्रिवेंट करना है, और ब्राउन शुगर का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा, अगर आप चाहते हैं कि आप ब्राउन शुगर यूज करें, ठीक है, अपने आप को प्रिवेंट करना है अपने, तो आप ब्राउन शुगर जो है वो यूज करें, लेकिन उसकी भी
क्वांटिटी मैटर करती है, ठीक है। आप ये मत समझें कि अगर आप ब्राउन शुगर यूज करें या गुड़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो जितना मर्जी आप कर सकते हैं, उसकी भी क्वांटिटी मैटर करती है कि आपने उसको कितना इस्तेमाल करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है, हमारी बेसिक्स चीजें हैं, तो इनका हमें पता होना चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग अस। अल्लाह हाफिज। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर बीरा। माशाल्लाह से आपने बहुत अच्छे से शॉर्ट वे के अंदर चीज़ों को एक्सप्लेन किया, और किसी को भी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी, आप ग्रुप में प्लीज़ आप लोग ऐड ऑन है, आप कर सकते हैं। और अभी 1 घंटे के अंदर इंशाल्लाह इसकी रिकॉर्डिंग और पीपीटी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। और एक और चीज़ मैं आप लोगों से प्लीज़ यहाँ पे कहना चाहूंगा कि इस टाइम के ऊपर वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम के अंदर जो वेलनेस स्टार्टअप अकेडमी रोल प्ले कर रही है, दो किस्म की एम्पावरमेंट हम कर रहे हैं। एक है हेल्थ वाइज, ठीक है, सेकंड है वेल्थ वाइज। और स्पेशल न्यूट्रिशन एम्पावरमेंट प्रोग्राम के अंदर, वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम के अंदर चीजें डिफरेंट हैं। अगर आप न्यूट्रिशनिस्ट एम्पावरमेंट प्रोग्राम के अंदर आएंगे तो उसके अंदर डेफिनेटली 4 एरियाज हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं, जिसमें क्लिनिक है आपका, बिजनेस है, सोशल मीडिया है, और उसके बाद इंटर्नशिप्स एंड वर्कशॉप्स हैं। तो कहने का मकसद है कि इस रेवोल्यूशन को ज्वाइन कीजिए, और ये बड़ा हाई टाइम है। जो पाकिस्तान के हालात हैं, फाइनेंस को लेकर बीमारियां हर घर में मौजूद हैं, तो अब का जो कस्टमर है वो एजुकेशन चाहता है। तो ये जो हमारा हर बुध को सेशन होता है, प्लीज आप इसमें फैमिलीज को इन्वॉल्व कीजिए, आप हर घर में लोगों को इनवाइट कीजिए, ताकि हम एक बहुत बड़ी एक हार्मोनियस सोसाइटी का काम कर सके। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच जो लोग हमारे साथ आज कनेक्टेड है, और इंशाल्लाह ताला सी यू इन द नेक्स्ट सेशन ऑन नेक्स्ट वेडनेसडे। अल्लाह हाफिज।